नोट किया कि दैट्स हाउ गर्ल्स गेट इंप्रेस्ड मैं उनको सरप्राइज कर देता हूं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मुझे लाइक दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन अ रिलेशनशिप अनप्रेडिक्टेबिलिटी तुम भी ट्राई करो कभी किसी लड़की को मिलो तो ट्राई करो 15 साल से ये खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रिश्ता रहा आई लव यू और अब हमारा नेक्स्ट गैग जो एक फ्यूनरल का है वी शुडंट रियली बी लाफिंग एट दिस बट अक्सर फ्यूनरल्स पर कुछ अनइंटेंशनल कॉमेडी भी हो ही जाती है सो लेट्स टेक अ लुक बस बस सबके साथ होता है बड़े अच्छे इंसान पता नहीं भगवान ने नहीं क्या चुन लिया कल सुबह ही मिले थे मुझे जॉगिंग करते हुए अरे तब तो एकदम फिट थे आज अचानक मत रोइए बहन जी बंटिया पूर्वी के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़कर गए होंगे ना आपको पता है मार्केट का कितना बुरा हाल है फिर भी ये बहुत कुछ छोड़ के गए लेकिन गए क्यों करती हमें उम्मीद है कि मिस्टर शर्मा हमें ऊपर से देख रहे हैं वो खुश हैं उनकी आंखों में खुशी है वो हंस रहे हैं प्लीज आप लोग सब अपना फोन साइलेंट पर रखेंगे क्या आप सब देख नहीं रहे कि मिस्टर शर्मा का देहांत हो गया है इसी के साथ मेरा भी रिंगटोन चेंज मच बेटर शाहरुख आई जस्ट वॉन्ट टू नो द मीनिंग आपका नाम है शाहरुख मगर आप You write it as two different words, Shah and Rukh. Is that actually the way it is? Ya aapne aisa kar diya? Nahin, actually, aisa hi hona chahiye. Because do lafzon se ek naam bana hai. Shah matlab hota hai, of course, prince ya king ya whatever connotation. And Rukh hota hai Rukhsar. Ruler. Shah ruler. Nahin, Rukh. Rukh means face. Rukhsar. Rukh, correct. Ya Rukh means direction. Ki us taraf Rukh karo. So it can mean the direction of kings or the face. My mother used to say a prince-like face. A prince-like face. Yeah. And so it's actually two words. It's not one word. But I think yahan pe Mumbai mein Parsi logon ke naam hote hain wo Shahrukh. Wo Q-U-E hota hai. Q-U-E. Haan, lekin ye Persian name hai. Original. Normally wahan pe ladkiyon ka naam hota hai because Shahnaz. Right. Is also like that. S-H-A-H-N-A-Z. So princess wale naaz. But I think that there is some truth in this ke... आदमी या इंसान का जो नाम होता है इट अफेक्ट्स उनकी पर्सनालिटी में बहुत 100% मैं प्रिंस चार्ल्स की तरह लगता हूं और प्रिंस वो जो सिंगर हैं उनकी तरह गाना गाता हूं आई हैव नोटिस दैट यू डोंट हैव टू पॉइंट दैट आउट टू मी थैंक्स वैसे मेरा नाम माय नेम मींस हैप्पीनेस हैप्पीनेस तो जैसे कि आप नोट कर सकते हैं मैं हमेशा बहुत हैप्पी रहता हैप्पी हो तुम हैप्पी सिंह हो तुम और अब एक ब्रेक ब्रेक के बाद डोंट गो अवे क्योंकि बड़े बड़े शोज में ऐसे छोटे मोटे ब्रेक्स होते रहते हैं ओए I don't think I'm special looking. I don't think I'm very tall. I don't think I have a great body. Theme song hamara acha tha. Hamare costume sabse acche the. Hamara advertising sabse acha tha. Abhi bas khelne mein thodi si kami hai, lekin hum wo kar lenge.
इट्स फ्राइडे. शाहरुख, हमने एक साथ एक फिल्म पे काम किया था डॉन, और उस फिल्म में एक बहुत मतलब पॉपुलर डायलॉग है ओरिजिनल डॉन से भी कि डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है. एक बार अपने स्टाइल में कह दीजिए फॉर द व्यूअर, देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन. वेयर इज द माइक? ओके, वंस अगेन, देन आई हैव टू मेक माय वॉइस लाइक दिस, लाइक डॉन. ओके, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. फिल्म की जब प्रीमियर स्क्रीनिंग हुई और मैंने फिल्म देखी, तो मैंने मुझे तभी लगा कि 11 मुल्क कौन से 11 मुल्क, क्योंकि उनके टाइम में मतलब यूएसएसआर एक था, अभी 15 हो चुका है, यू नो. तो शुड वी हैव मेड इट 25 मुल्क? या मेरा बहुत क्लियर था कि बोर्नियो तो इंक्लूड होना ही चाहिए था उसके अंदर, बिकॉज़ ऑफ द पिग्मी एलिफेंट्स. बट एक्चुअली हाँ, मुझे भी लगा 11 थोड़े कम हो गए, कम है ना, थोड़ा स्टेटस कम हो गया इन टुडेज़. क्या है एक्चुअली, कितने हैं, 156 और 186 मुल्क हैं दुनिया में, आई थिंक 156, तो एक 50-60 भी होते हैं, थोड़ा हम डॉन टू बनाएंगे ना, उसके अंदर थोड़ा मुल्क भी कर देना, थोड़ा एक दो प्लैनेट भी कर देना, प्लैनेट्स में से 3-4 प्लैनेट्स की पुलिस भी ढूंढ रही है, थोड़ा इंटरप्लैनेटरी हो जाए, थोड़ा बड़ा लगूंगा मैं तो. मार्स भी बिकेंगे, मार्स कर लो, वीनस कर लो, प्लूटो आजकल सबने डिसोन कर दिया है, दैट कैन बी यूज. हां, वो लोकेशन फ्री है, हम यूज कर सकते हैं. तो थोड़ी दो चीजें, एक तो ये मुल्क बढ़ा देना और थोड़ी सी हील्स देना कि मेरी हाइट बढ़ जाए, तो थोड़ा समय लगूं कुछ यार डॉन डून टाइप में. और अब हमारी आज की इंटरनेशनल परफॉर्मर, एक बेली डांस टीचर जो लंदन में अपना डांस स्कूल चलाती हैं, आई एम श्योर उनकी काफी सारी पेट स्टूडेंट्स होंगे. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अ दीदार विद एना. That was a very good performance. Thank you, Anna. And back to Shahrukh. Shahrukh, एक चीज जो खुद ब खुद बन गई है या और आपने बहुत मेहनत की है इसे बनाने में, which is brand SRK. कहीं आपने कहा भी है, मैंने आपके खुद जो एक बुक है, आपके बहुत करीबी दोस्त ने आप पर लिखी है, उसमें आपने लिखा है कि I am not Shahrukh Khan, I work for Shahrukh Khan. So just tell us a little bit, मतलब ये क्या एफर्ट है, लाइक व्हाट, हाउ डू यू डिस्क्राइब ब्रांड एसआरके, व्हाट डज इट मीन टू यू? सी, जब भी कोई चीज ठीक ठाक हो जाती है, चल जाती है, तो फिर उसको पोस्ट एनालिसिस के अंदर अच्छे अच्छे मोटे मोटे शब्द दे दिए जाते हैं. मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ. मैंने जिंदगी में कोई स्पेशल काम नहीं किया, क्योंकि हर किसी का जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर कोई, चाहे वो टाइपिंग करते हों, चाहे वो टेलर हों बैंक के अंदर, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हों, डायरेक्टर हों, एक्टर हों, तो हम जो हैं सुबह अपना मेकअप लगा के काम करते हैं और शूटिंग करके आ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि काम अच्छा हो गया. तो कोई स्पेशल बात नहीं है उसके अंदर. बट जो पेरिफेरल्स हैं इस काम के, स्पेशली फिल्मों के और एक्टिंग के, जो पेरिफेरल्स हैं वो कभी कभार बहुत बड़े हो जाते हैं. तो मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि वो जो बड़प्पन है या जो बड़ा हो गया है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ना मैंने उसे बनाया है और इंशाल्लाह ना ही मैं उसे बिगाड़ सकूंगा. मैं उस मिथ शाहरुख खान सुपरस्टार के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैंने उसके अंदर एक चीज़, बहुत छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने याद रखी, और बहुत सारे जवान लोग हैं यहाँ पे तो उनको ज़रूर कहूँगा कि एक मैंने ऑनेस्टी उसमें रखी, जितनी भी एक ऑनेस्टी बेसिक लेवल पे हो सकती है. कभी भी ऑनेस्टी से, ऑनेस्ट होने से डरना नहीं चाहिए. आई थिंक यू नीड टू बी ऑनेस्ट. अगर लगता है कोई चीज़ गलत है तो गलत है, उसे मत करो. ज़रूरी नहीं कि उसके अगेंस्ट टॉर्च लेकर बाहर निकल जाओ, बट एटलीस्ट